हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपको व्हाट्सएप पे स्टेटस म्यूट करने का और अनम्यूट करने का तरीका बताएंगे। तो वीडियो को फुल एंड तक देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आप तक जल्दी से पहुँच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने व्हाट्सएप को ओपन कर लेना है और उसके बाद अपडेट्स पे क्लिक करेंगे। तो अपडेट्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए हमारे सामने स्टेटस शो हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमने जिसका स्टेटस म्यूट करना है उसके स्टेटस पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे थ्री डॉट का ऑप्शन है तो इसी पे क्लिक करेंगे और उसके बाद म्यूट पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए म्यूट का ऑप्शन आ रहा है तो इसी पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद बैक आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए जिस स्टेटस को हमने म्यूट किया है वो स्टेटस अब म्यूटेड लिस्ट में चली गई है। तो उसको अनम्यूट करने के लिए हम म्यूटेड पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे स्टेटस पे क्लिक कर देंगे और फिर से थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए अब अनम्यूट का ऑप्शन शो हो रहा है। पहले म्यूट का ऑप्शन था लेकिन अब अनम्यूट का ऑप्शन है तो इसी पे क्लिक कर देना है और उसके बाद अनम्यूट पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा स्टेटस अनम्यूट हो गया है, हम आपको दिखाते हैं। तो अनम्यूट करने के बाद देखिए हमारा स्टेटस फिर से पहले की तरह शो होने लगा है। तो इसी तरह से आप भी अपने किसी भी स्टेटस को म्यूट करके उसे अनम्यूट कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।